हेलो बच्चों, ऑल राइट, हेलो एवरीवन. सो वेलकम बैक. दिस इज योर वेरी ओन पेस बैच एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. सो गाइस, दिस इज टीना चोपड़ा, योर जूलॉजी मेंटर, एंड वी हैव स्टार्टेड विद दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. डन. चलो, हो गई फॉर्मेलिटी, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे. तो गाइज, कल की क्लास जरा मिस हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, बट नेवर माइंड, वी विल कॉम्पेंसेट दैट. संडे को क्लास होगी, याद रखना, ठीक है. सो गाइज, दिस इज लेक्चर नंबर 4 और आज हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है. सो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, फाइन. आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन. तो मुझे लगता है कि मैकेनिज्म ऑफ विजन पे आने से पहले एक बार हमें पिछले लेक्चर का ना स्ट्रक्चर ऑफ आई एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए. देखो, सो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. देखो हमने क्या किया था. सो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ आई में, ऑलराइट, हमने देखा आई एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो इमेजिन करते जाओ जैसे जैसे बोल रही हूँ, एक बॉल है, ठीक है, अंदर से हॉलो मान लो उसे, और बॉल के सेंटर में तुमने एक लेंस लगा दिया, फाइन. तो लेंस के आगे वाला चेंबर और लेंस के पीछे वाला चेंबर, इमेजिन हो रहा है, ठीक है. बॉल दिखाई दे रही है ना, आंखें बंद करके बेशक सोच लो. तो बीच में आपके एक लेंस है, फाइन. लेंस के आगे एंटीरियर चेंबर, लेंस के पीछे पोस्टीरियर चेंबर. आगे एक्वस ह्यूमर है, पीछे विट्रस ह्यूमर है, ठीक है. अब इस बॉल के ऊपर तुमने एक ट्रांसपेरेंसी कवरिंग चढ़ा दी, वो क्या है तुम्हारा, कंजक्टाइवा, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ योर आई. सब कर लिया था हमने. सो सी, दिस इज योर कंजक्टाइवा, राइट. तो ये लेंस है आपका. अब लेंस को बीच में से पकड़ने के लिए कोई तो स्ट्रक्चर होगा, उसको आपने सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोल दिए, ठीक है. तो ये बेसिक सा क्लियर है, फाइन. अब गाइस, जो उसकी वॉल है ना, यानी वो बॉल की जो वॉल है, राइट, उसके अंदर तीन लेयर्स हैं. जैसे अगर क्रिकेट की वॉल, अगर हम बॉल देखते हैं तो बड़ी लेयर्स की बनी होती है, कोई भी बॉल लेयर्स की बनी होती है. वो बचपन की प्लास्टिक या मैं रबर की बॉल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तो ये जो बहुत स्पेसिफिक बॉल्स होती हैं, टेनिस बॉल या क्रिकेट, तो उनमें बड़ी लेयर्स होती हैं. ऐसे ही ना हमारी आई की बॉल के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, हमने डिटेल में स्टडी की थी. आउटर फाइब्रोसा है क्योंकि फाइबर्स की बनी हुई है, बीच में पिगमेंट प्रेजेंट है, मेलानिन, तो पिगमेंटोसा है, और क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई भी है तो वी कॉल्ड इट वैस्कुलोसा एज वेल. एंड देन सबसे अंदर वाली लेयर जो कि न्यूरॉन्स की बनी हुई है, तीन तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने देखे थे, एंड दैट लेयर इज नोन एज न्यूरोसेंसरी लेयर, ट्यूनिका नर्वोसा या सिंपली रेटिना, ठीक है. स्पेशली याद रखना रेटिना, उसमें मेरा नाम भी आता है. चलो, सो रेटिना लेयर क्लियर. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने की थी कि जो ट्यूनिका फाइब्रोसा है उसका 1/6 आगे वाला जो पोर्शन है उसको ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया, मैक्सिमम रिफ्रेक्शन. मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, एंड आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ सारे विनर्स को. ओके, चलो, इज दैट क्लियर, डन. सो ये इंपॉर्टेंट बातें. पीछे वाला पार्ट स्क्लेरा कहलाता है, व्हाइट पार्ट ऑफ योर आई जो कि कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, है ना. और कॉर्निया पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होती है, ये याद रखना. रिफ्रैक्शन हर लेयर पे होनी है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट विल वेरी, है ना. देखो, फिजिक्स तो आएगी हर जगह. नाउ सी, अब सबसे ज्यादा कॉर्निया पे हो गई, फाइन. उसके बाद अगले कहां पे सबसे ज्यादा होनी है, नेक्स्ट कहां पे होनी है सबसे ज्यादा, आपके लेंस पे, क्लियर. तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑन कॉर्निया, क्लियर हो गया. ऑल राइट, अब रेटिना पे गाइज हमने ये भी देखा था कि एक येलो स्पॉट नाम की चीज होती है, यानी कि इमेज, सॉरी, जो रेज हैं वो कन्वर्ज होके, वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे फोकस होनी चाहिए, एग्जैक्टली ऑन द येलो स्पॉट. ये रेड लाइंस जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं लाइट रेज, येलो स्पॉट में कन्वर्ज होगी तो नॉर्मल विजन होगी, ठीक है. तो अब देखो, आज हमने क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ विजन. तो मैकेनिज्म ऑफ विजन पे पहली चीज, लाइट मस्ट कन्वर्ज, इट मस्ट अंडरगो रिफ्रैक्शन, एंड इट मस्ट फोकस ऑन योर येलो स्पॉट. तो नॉर्मल विजन के लिए गाइस सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि लाइट कहां रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, फोकस कहां होनी चाहिए, येलो स्पॉट पे, ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर प्रिसाइजली, ठीक है. और अब हम स्टार्ट करेंगे, देखो, मैकेनिज्म ऑफ विजन के साथ. डन. सो मैकेनिज्म ऑफ विजन में गाइस दो स्टेप्स होने हैं बेसिक. फर्स्ट है फोकसिंग, किस पे फोकस होना है, येलो स्पॉट पे, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है. फोकस होने के बाद अब रेटिना के ऊपर ये जो येलो स्पॉट है, एग्जैक्टली क्या होता है इस येलो स्पॉट पे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू, ठीक. चलो, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई को भूलना नहीं है क्योंकि उसके बगैर बात नहीं बनेगी. द
तो देखो सबसे पहला क्या स्टेप है, फोकसिंग। किस पे फोकस होना है? येलो स्पॉट पे। याद रखना मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। और हमने रेटिना के स्ट्रक्चर पे पढ़ा था कि रेटिना के ऊपर तीन तरह के सेल्स हैं। डू यू रिमेम्बर दैट? कि एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। देखो तो गाइज अंदर वाली लेयर्स बना रही हूँ, ठीक है। सो सी दिस इज योर रेटिना, फाइन। इसके पीछे आपकी ये पिगमेंटेड लेयर थी, व्हाट डिड वी कॉल इट, कोरॉइड, ट्यूनिका, वैस्कुलोसा, पिगमेंटोसा। और इसके भी पीछे प्रेजेंट होती है फाइब्रोसा। सो दिस इज आउटर ट्यूनिका फाइब्रोसा, दिस इज ट्यूनिका पिगमेंटोसा, एंड दिस वन इज ट्यूनिका नर्वोसा, और मेरे नाम वाली लेयर दैट इज रेटिना। डन। अब रेटिना को थोड़ा और इलैबोरेटली ड्रॉ कर देते हैं। देखो रेटिना के अंदर हमने तीन तरह के सेल्स पढ़े थे, तीन तरह के सेल्स। डू यू रिमेंबर दैट? थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स इन रेटिना, और न्यूरॉन्स इन रेटिना कौन कौन से थे? अगर याद आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहे हैं तो एक बार रिवाइज जरूर करना उसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना। नंबर वन फोटो रिसेप्टर सेल्स, है ना, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी रॉड्स एंड कोन्स। उसके बाद गैंग आपके बायपोलर न्यूरॉन्स, बायपोलर न्यूरॉन्स हमने पढ़े थे जिनकी दो प्रोसेसेस होती हैं, एक एग्जॉन और एक डेंड्राइट, ठीक है, एक आपके ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम में और दूसरे आपके रेटिना पे मिलेंगे। एंड द थर्ड वन आर द गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है, थर्ड वन आर द गैंग्लियोनिक सेल्स। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि ये सेल्स किस ऑर्डर में प्लेस्ड हैं। अब इनका ऑर्डर देखो, सबसे अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स, इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है आपके बायपोलर न्यूरॉन्स की, बायपोलर न्यूरॉन्स की, क्लियर। एंड थर्ड लेयर गाइज आती है गैंग्लियोनिक सेल्स की, ठीक है। तो इस तरह से ये इस ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है। इज द ऑर्डर क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे ऑर्डर देखो, आउटसाइड टू इनसाइड ऑर्डर बताना होगा या इनसाइड टू आउटसाइड, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ वेयर इज द आउटर साइड? दिस इज द आउटर साइड, दिस इज द आउटर साइड, एंड इधर क्या है आपका? विट्रस चेंबर, समझ आ रहा है, दिस इज द विट्रस चेंबर। और क्लियर कर देते हैं, ये बीच में आपका लेंस है, देखो, है ना, और इस तरफ आपका ये कॉर्निया होगा। बात क्लियर हो रही है कि किस तरह से आपका आई के अंदर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइट इधर से आ रही है लेंस को क्रॉस करते करते, क्लियर। और तुम्हें पता है कि लेंस के बिल्कुल पीछे, प्यूपल के बिल्कुल पीछे क्या होगा आपका? येलो स्पॉट। नाउ अंडरस्टैंड, देखो थोड़ा सा ये रब कर रही हूं ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। नाउ हियर, सो ये सारी लेयर क्या है तुम्हारी? रेटिना, है ना, रेटिना के अंदर तीन, तो दिस इज द आउटर साइड, दिस इज द इनर साइड। तो अगर आउटसाइड टू इनसाइड बोलेंगे तो आउटर साइड पे यानी कोरोइड वाली साइड पे क्या है? फोटोरिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स, देन बायपोलर्स, एंड देन गैंग्लियोनिक। इनसाइड टू आउटसाइड बोलते हैं तो उल्टा कर देना, ऑर्डर देख लेना, क्लियर हो गया। सो दिस इज आउटर, दिस इज मिडल, एंड दिस इज ऑन द इनर साइड। डन। नाउ ये क्वेश्चंस है, प्लीज डू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ना सी यहाँ पे आपका येलो स्पॉट है, तो चलो यहाँ पे येलो स्पॉट बना देते हैं। सी दिस इज योर येलो स्पॉट, है ना, मैकुला ल्यूटिया। और गाइस येलो स्पॉट के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट वॉज अ खड्डा, अ गड्ढा, खड्डा जो भी है, ठीक है। ना सी दिस इज नोन एज सेंट्रल पिट, है ना। अब गाइस है क्या? तो ये है आपकी रेटिना। अब येलो स्पॉट रेटिना का एक स्पेशल हिस्सा है, एक स्पेशल वो पार्ट है रेटिना का जहां पे गैंग्लियोनिक सेल्स और बायपोलर न्यूरॉन्स नहीं होते, ठीक है। सो ये दोनों सेल्स, दीज आर एब्सेंट, याद रखना, दीज आर एब्सेंट ऑन येलो स्पॉट, दीज आर एब्सेंट ऑन येलो स्पॉट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो होगा क्या, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट होके आ रही है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके आ रही है, फाइन, और रिफ्रैक्शन हो गई। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद हमने कहा कि वो कहाँ कन्वर्ज होनी चाहिए? येलो स्पॉट पे। तो यहाँ पे येलो स्पॉट पे यानी कि लाइट रेज आ रही है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक कर लेंगे, फाइन, लाइट रेज सही नहीं बनी है, बट नेवर माइंड। तो लाइट जो है किसके ऊपर फॉल कर रही है गाइस?
ऐसे टेढ़ी नहीं होती, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, क्या बना दिया मैंने। चलो फाइन ओके। नाउ सी, लाइट डायरेक्टली किसके ऊपर फॉल करनी चाहिए, येलो स्पॉट के ऊपर, कर गई। अब येलो स्पॉट के ऊपर तुम्हें बताया कि गैंग्लियोनिक सेल्स और बायपोलर न्यूरॉन्स आर एब्सेंट, इसका मतलब लाइट डायरेक्टली किसके ऊपर फॉल कर रही है, फोटोरिसेप्टर सेल्स के ऊपर, लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो फोटोरिसेप्टर सेल्स है, इसका मतलब जो येलो स्पॉट है उसके ऊपर सिर्फ 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 फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स एंड बायपोलर न्यूरॉन्स आर एब्सेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ द रेटिना एंड द येलो स्पॉट वाला एरिया। समझ में आ गई बात? अब येलो स्पॉट, अब जो ये फोटोरिसेप्टर सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स, देखो रॉड को रॉड क्यों बोला, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर रॉड जैसा है, ये एक सेल है, दिस इज द रॉड। कोन को कोन क्यों बोला, क्योंकि ऐसे कॉनिकल होती है। समझ में आ गया? सो दिस इज कोन, दिस इज रॉड, डन। तो शेप के बेस पे हमने उसके नामकरण कर दिए। अब और भी धीरे धीरे डिटेल्स बताऊंगी, एक चीज और याद रखना। देखो पहली चीज, येलो स्पॉट के ऊपर गैंग्लियोनिक सेल्स और बायपोलर न्यूरॉन्स है नहीं। दूसरी चीज, रॉड्स एंड कोन्स में से भी येलो स्पॉट के ऊपर ज्यादातर क्या होंगे, कोन्स होंगे। इट इज थिकली कॉन्सेंट्रेटेड विद कोन्स, बहुत थोड़े रॉड्स होते हैं। इज इट क्लियर? हमारी एनसीईआरटी कहती है कि रॉड्स कम होते हैं, कोन्स ज्यादा होती हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, अब जान लो कि ये रॉड्स एंड कोन्स का फीचर क्या है। देखो अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा, रॉड्स गाइस रात को, रात से याद रखना, आर से रॉड, आर से रात, ये रात को देखने में हेल्प करते हैं, यानी डिम लाइट में। डिम लाइट में देखने में कौन हेल्प करेगा, रॉड्स हेल्प करेंगे, ठीक है। और रात को हमें कलर्स का क्लियरली पता नहीं लगता, तो कलर विजन नहीं क्रिएट करते, कलर विजन नहीं हो पाती इनसे। उल्टा कोन है, कोन दिन में ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करेगा, ठीक है, ब्राइट लाइट में। तो ब्राइट लाइट में तुम्हें कलर्स बहुत अच्छी तरह से पता लगते हैं, तो कलर विजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब रॉड्स बाहर के, यानी बाकी के रीजन पे ज्यादा होते हैं रेटिना के, पेरिफेरल रीजन पे। पेरिफेरल, पेरिफेरल मीन्स बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ येलो स्पॉट। पेरिफेरल रीजन ऑफ येलो स्पॉट पे रॉड्स ज्यादा होंगे, देखो मैंने ज्यादातर रॉड्स लिखे हैं, ठीक है। और कोन्स ज्यादा कहाँ होती है, येलो स्पॉट पे होती है। इतना क्लियर हो गया? एक और चीज, रॉड्स और कोन्स को ही फोटो रिसेप्टर सेल्स क्यों बोला गया, इसलिए क्योंकि फोटो सेंसिटिव होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट इनके लिए एक स्टिमुलस है, तो अगर स्टिमुलस है तो कुछ ना कुछ चेंज शो करेगा। गाइज इनके पास स्पेशल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। नाउ लिसन, रॉड्स का जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन, रॉड का रोडोप्सिन। कोन का जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं आयोडोप्सिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, आयोडोप्सिन, क्लियर। ये पर्पल कलर का होता है तो इसको विजुअल पर्पल कह सकते हैं, विजुअल क्योंकि देखने में हेल्प करेगा, पर्पल कलर का है तो विजुअल पर्पल। ये जो है ये वॉयलेट कलर का होता है, रेडिश वॉयलेट, तो इसको विजुअल वॉयलेट कह देते हैं। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं। नाउ लिसन, बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं आ रहा है आई का स्ट्रक्चर, लेकिन नीट के लिए चाहिए, क्लियर। तो गाइज यू हैव बीन सेइंग इट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम सारा सिलेबस करवाओ, तो सारा सिलेबस ही करवाया जाएगा। सिर्फ हम थोड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे रख रहे थे कि प्रायोरिटी वाइज हम पहले सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट आई फील कि आई के बिना तो इस चैप्टर को खत्म करने का मजा ही नहीं आता, ठीक है। सो लेट्स गेट ऑन टू इट बैक। सो इतना क्लियर हो गया, इन दोनों के पास पिगमेंट्स होते हैं, एंड नाउ दीज आर कॉल्ड विजुअल पिगमेंट्स, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। यानी इन पिगमेंट्स के ऊपर लाइट गिरी तो इन पिगमेंट्स में, इन केमिकल्स में कोई चेंज होने वाला है, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को या इस दवाई को लाइट में नहीं रखना, कीप इट इन द डार्क लाइट, है ना, कई चीजों के ऊपर लिखा होता है। तो इसका मतलब लाइट इज एन एनर्जी, वो एनर्जी, वो लाइट जो एनर्जी है वो उस चीज को इफेक्ट करेगी, उसमें चेंज लेके आएगी। द सेम हैपन्स विद दीज पिगमेंट्स। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स अलग अलग तरह के इफेक्ट्स शो करती हैं इन पिगमेंट्स के ऊपर। इतना क्लियर हो गया? सो वी कॉल देम लाइट पिगमेंट्स, विजुअल पिगमेंट्स, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स, ठीक है। अनदर पॉइंट, अब अच्छा रोडोप्सिन के लिए चलो इस पे भी आते हैं। तो पहले इतना क्लियर हो गया,
अब कोन्स के लिए एक और चीज बता रही हूँ फिलहाल. कोन्स जो है ना हमारे अंदर तीन तरह के होते हैं, रेड के लिए सेंसिटिव, ग्रीन के लिए सेंसिटिव और ब्लू के लिए सेंसिटिव. बस ये तीन तरह के कोन्स आपके अंदर है, रेड ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू. बाकी जितने भी तुम्हें शेड्स नजर आती हैं, जितनी भी शेड्स नजर आती हैं, वो इन्हीं के मिक्स एंड मैच से नजर आती हैं. कोई येलो कलर का कोन नहीं होता है, ठीक है, कोई ब्लैक नहीं होता, कोई व्हाइट नहीं होता, इट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, तो अब सारे के सारे एक साथ स्टिमुलेट हो जाएंगे रेड ग्रीन एंड ब्लू इन द इक्वल प्रोपोर्शन, तो कलर क्या बनेगा? फिजिक्स, रेड ग्रीन ब्लू सारे एक तरह के इकट्ठे, इनकी एक साथ स्टिमुलेशन होगी इन इक्वल नंबर, तो क्या बनेगा? व्हाइट स्टिमुलेशन. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की शेड्स जनरेट होती है. क्लियर? ऑल राइट, नादर. तो इज दिस मच क्लियर? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज रेटिना, तीन लेयर्स, फोटोरिसेप्टर्स, बायपोलर गैंग्लियन, गैंग्लियोनिक सेल्स ऑन द इनर साइड, फोटोरिसेप्टर्स ऑन द आउटर साइड. येलो स्पॉट के ऊपर बायपोलर और गैंग्लियोनिक नहीं होते, याद रखना इस चीज को. तो लाइट डायरेक्टली किसके ऊपर गिर रही है? फोटोरिसेप्टर सेल्स पे. ठीक है, और गाइज ये जो है ये फोटो सेंसिटिव सेल्स है, इनके पिगमेंट्स फोटो सेंसिटिव है. तो जब लाइट इनके ऊपर गिरती है तो क्या होगा? चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस होंगे, और इन्हीं केमिकल चेंजेस से नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होनी है. इज दैट क्लियर? नाउ सी, सो ये है ओवरऑल बेसिक अबाउट विजन, की विजन कैसे जनरेट होती है. अब इसको स्टेप्स में कर लेते हैं. तो एक चीज क्लियर होगी, सबसे पहले लाइट ने फोकस होना है. फोकस होने के लिए क्या हो रही है? लाइट फोकस होने के लिए लाइट इज सफरिंग रिफ्रैक्शन. ठीक है, क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रही है. और रिफ्रैक्ट होके उसने कहां पे फोकस होना है? इट मस्ट फोकस ऑन रिफ्रैक्शन, इट विल अलाउ इट टू फोकस ऑन येलो स्पॉट. येलो स्पॉट पे अगर फोकस नहीं हुई तो नजर कमजोर होगी, चश्मा लगेगा मेरी तरह. इज इट क्लियर? अब वो कहाँ पे फोकस होती है उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चश्मा लगेगा, कैसी विजन होगी, पास की नजर कमजोर है कि दूर की कमजोर है, व्हाट आर द टर्म्स, वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, नाउ सी, तो पहला स्टेप क्या हो गया फोकस में? रिफ्रैक्शन करनी है. अब हर हाल में नॉर्मल विजन के लिए रिफ्रैक्शन होके लाइट किस पे फोकस होनी चाहिए? मैकुला ल्यूटिया पे, दैट इज येलो स्पॉट. अब आई को कई तरह के एडजस्टमेंट्स करती है ताकि कर करा के लाइट को किस पे फोकस किया जाए? येलो स्पॉट पे. अब वो जितनी भी एडजस्टमेंट्स करती है, जितने भी चेंजेस लेके आती है ताकि लाइट फोकस हो येलो स्पॉट पे फॉर नॉर्मल विजन, तो वो जितने भी चेंजेस, जितनी भी अडेप्टेशंस, जितनी भी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, उन अडेप्टेशंस को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द आई, एडजस्ट मेंट ऑफ आई, या फिर वी कॉल इट अकोमोडेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? अकोमोडेशन. ठीक है, अब देखो अकोमोडेशन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं. तो जब छोटा छोटा लिखा होता है तो क्या करते हो? आंखें खोलते हो, इस तरह से खोल खोल के देखते हो, या अंधेरा है, प्रॉपर लाइट नहीं आ रही तब भी आंखें खोलते हो, राइट? और अगर ब्राइट लाइट आ रही है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ, तो नॉर्मल रखते हो, है ना? और ज्यादा ब्राइट आ रही है तो आंखें तुम इस तरह से स्क्वीज भी कर लेते हो. तो ये क्या हो रहा है? दिस इज एडजस्टमेंट. ठीक है, अब अंदर अंदर क्या हो रहा था जो तुम्हें नहीं दिखाई दिया? आपका लेंस लंबा या पतला हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? इट इज गेटिंग थिनर और थिकर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब लेंस को पतला या मोटा करने के लिए उसके सस्पेंसरी लिगामेंट्स में चेंजेस आएंगे, सीलरी मसल्स में चेंजेस आएंगे. आर यू गेटिंग दिस? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मिलके क्या कर रहे हैं? ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं. आपका प्यूपिल बड़ा हो रहा है अगर लाइट कम है, प्यूपिल छोटा हो रहा है. हमने कहा था प्यूपिल वो होल है जिसके थ्रू लाइट अंदर एंटर करती है, तो अमाउंट ऑफ लाइट विल बी रेगुलेटेड, है ना? ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा. अच्छा, प्यूपिल छोटा होता है तो रेडियस बड़ा होता है, सॉरी आयरस बड़ा हो जाता है, है ना? तो आयरिस रेगुलेट्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. ये सारे स्ट्रक्चर्स हम कर चुके हैं. तो देखो ओवरऑल अकोमोडेशन के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ द आई के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नंबर वन आयरिस. ठीक है, आयरिस का साइज चेंज होगा तो प्यूपिल का साइज चेंज होगा. प्यूपिल का साइज चेंज होगा तो उससे अमाउंट ऑफ लाइट विल वेरी. क्लियर? अब अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट दूर है या पास है, हम हर बार उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते,
है ना, हमेशा हम डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू फोकस. तो क्या होता है, आपका लेंस विल ऑल्सो चेंज. लेंस अपनी फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, थिन हो जाएगा, थिक हो जाएगा. तो लेंस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन अकोमोडेशन. लेंस को चेंज करने के लिए देखो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, राइट, देन सीलियरी मसल्स हैं. ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अकोमोडेशन कर रहे हैं, ताकि कर करा के रिफ्रैक्शन करके, रिफ्रैक्शन से और एडजस्टमेंट से होती क्या है, लाइट हैज टू फोकस ऑन द येलो स्पॉट. ये एडजस्टमेंट क्यों हो रही है, ताकि लाइट फोकस की जा सके ऑन द येलो स्पॉट फॉर नॉर्मल विजन. डन, मान लिया फोकस हो गया, येलो स्पॉट पे लाइट गिर रही है ना, और येलो स्पॉट के ऊपर डायरेक्टली लाइट किस पे फॉल कर रही है, रॉड्स एंड कोन्स पे, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल्स और बाइपोलर न्यूरॉन्स एब्सेंट है. अब लाइट falls ऑन येलो स्पॉट, ठीक है. अब गाइस येलो स्पॉट के ऊपर तुम्हारे प्रेजेंट है फोटोरिसेप्टर सेल्स. नाउ लिसन, हमने कहा फोटोरिसेप्टर सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, यानी रॉड्स एंड कोन्स, इनके पास प्रेजेंट हैं पिगमेंट्स, दे हैव विजुअल पिगमेंट्स, क्लियर. इसके विजुअल पिगमेंट का नाम क्या था, रोडोप्सिन, और कोन्स के पिगमेंट का नाम क्या है, आयोडोप्सिन, ठीक है. दीज आर द विजुअल पिगमेंट्स, ठीक है. अब गाइस कोई भी विजुअल पिगमेंट हो, किसी भी विजुअल पिगमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कोई भी जो विजुअल पिगमेंट है वो दो चीजों का बना होगा. नाउ लिसन, कौन कौन सी, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दैट एल्डिहाइड इज रेटिनल. क्या नाम है, रेटिनल, अल आ गया तो एल्डिहाइड हो गया, रेटिना के ऊपर जो एल्डिहाइड है नाम है रेटिनल, ठीक है. और दूसरा एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, देयर इज अ प्रोटीन. तो ये प्रोटीन और ये एल्डिहाइड मिलके बनाता है विजुअल पिगमेंट, इज इट क्लियर. इस प्रोटीन को हम बोल देंगे ऑप्सिन, नेम ऑफ द प्रोटीन इज ऑप्सिन, इज दिस क्लियर. सो ऑप्सिन एंड रेटिनल टुगेदर फॉर्म्स अ विजुअल पिगमेंट. डन, नाउ लिसन, ये रेटिनल बनाने के लिए तुम्हें विटामिन ए खाना जरूरी है. कहते हैं ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है ना, क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर विटामिन ए नहीं खाओगे, विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनोल, एल्कोहलिक है, ठीक है, उस एल्कोहल से ही की ही ऑक्सीडेशन से रेटिनल बनेगा, ठीक है. नाउ सी, तो अगर तुमने विटामिन ए नहीं खाया तो ये वाला पार्ट नहीं बन रहा, इज दैट क्लियर, और क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी. नाउ सो ये याद रखना, यहाँ पे ये कहां से बनेगा, विटामिन ए से डिराइव होता है, डेरिवेटिव, क्लियर. नाउ सी अनदर पॉइंट अबाउट रेटिनल, लाइट को एब्जॉर्ब इसने करना है, विजुअल पिगमेंट है ना, तो पहले फोटोरिसेप्टर्स जो भी हैं रॉड्स एंड कोन्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, रेटिनल कर रहा है, और लाइट एब्जॉर्ब करने से इनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे. अब देखो होगा क्या, लिसन, तो रॉड्स एंड कोन्स, तो रोडोप्सिन, सी तो जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन के अंदर भी रेटिनल प्रेजेंट है, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी रेटिनल है, ठीक है जी. अब प्रोटीन्स दोनों के डिफरेंट होते हैं. रॉड्स डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, रात में देखने में हेल्प करता है, अंधेरे में, तो अंधेरे के लिए टर्म होती है स्कोटो, तो इट हैज स्कोटोप्सिन, क्लियर. और रेटिनल लाइट में देखने में हेल्प करता है, ब्राइट लाइट में, तो लाइट में टर्म यूज होती है फोटो, सो इसका प्रोटीन क्या हो गया, फोटोप्सिन, ठीक है. जिनको अंधेरे से डर लगता है ना, उसको स्कोटोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है. कईयों को लाइट से डर लगता है, फोटोफोबिया भी होता है, वो ऐसी चीजें होती हैं. अब तुम सोचोगे कि लाइट, सॉरी अंधेरे से तो सबको डर लगता है, सबको डर नहीं लगता, और थोड़े बहुत डर की बात नहीं हो रही, जो बच्चों को लग रहा है. ये स्कोटोफोबिया इज अ वेरी सिवियर थिंग, ठीक है, कि इतना डर कि बंदा पागल हो जाए, वो होता है फोबिया, ठीक है. छोटा मोटा डर इज नॉट फोबिया. एनीवेज, तो इज दैट क्लियर टू यू, रोडोप्सिन रेटिनल प्लस स्कोटोप्सिन एंड आयोडोप्सिन रेटिनल प्लस फोटोप्सिन, इजी. चलो अब लाइट फोकस हो चुकी है, ठीक है, लाइट रोडोप्सिन पे गिरी, लाइट आयोडोप्सिन पे गिरी, जैसी वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रही है उस हिसाब से पिगमेंट ने टूटना है, ठीक है. सो लाइट ब्रिंग्स द केमिकल चेंजेस, सो व्हाट आर द बायोकेमिकल इवेंट्स अकरिंग,
क्या चेंज होता है कि लाइट ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस इन दीज विजुअल पिगमेंट्स, इन विजुअल पिगमेंट्स, ठीक है. एंड दीज विजुअल पिगमेंट्स दे अंडरगो केमिकल चेंजेस, दे अंडरगो केमिकल चेंजेस, ठीक है. तो लाइट एनर्जी है जो कि इन केमिकल्स विजुअल पिगमेंट्स के अंदर केमिकल चेंजेस लेके आ रही है. जैसे कि जब तुम कमरे से बाहर ब्राइट लाइट में धूप सेकने के लिए गए, लेकिन मम्मी ने कहा कि कुछ भूल गए हो, ठीक है वो भी ले आओ, तो तुम धूप से जब एकदम से कमरे में जाते हो तो कमरे में जाके तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है ना. वी सफर दैट टेम्पररी ब्लाइंडनेस. व्हाई डज दैट हैपन, दैट वी सफर टेम्पररी ब्लाइंडनेस, क्योंकि अंधेरे में देखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था, रिडॉप्सिन. लेकिन तुम कहाँ से आए हो, धूप से, यानी ब्राइट लाइट से, है ना. तो जब तुम धूप में थे यानी ब्राइट लाइट में थे, तो ब्राइट लाइट ने तुम्हारा रोडोप्सिन तोड़ दिया था. क्या कर दिया था, तोड़ दिया था. तो जब तुम कमरे में आए तो तुम्हें देखने के लिए क्या चाहिए था, रोडोप्सिन. लेकिन रोडोप्सिन तो टूट चुका है, तो जब तक वो रोडोप्सिन दोबारा से नहीं बनता तब तक तुम ठोकरे खाते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता. सो टिल द टाइम रोडोप्सिन इज रीफॉर्म्ड, इट इज रीजेनरेटेड, वी सफर टेम्पररी ब्लाइंडनेस, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्राइट लाइट में जाके क्या हुआ, ब्राइट लाइट में जाके क्या होता है, रोडोप्सिन विल ब्रेक डाउन, इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. इसी जिन चीजों से बना है उसी में वो टूट जाता है. इट विल ब्रेक डाउन इनटू रेटिनल प्लस, इट विल ब्रेक डाउन इनटू रेटिनल प्लस स्कोटोप्सिन, ठीक है. तो ये चेंजेस कब हो रहे हैं, जब ब्राइट लाइट में जा रहा है, जब ये ब्राइट लाइट में जा रहा है, तो ब्राइट लाइट में ये टूट रहा है. इस चीज को हम बोलते हैं ब्लीचिंग. क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग कब हो रही है, ब्राइट लाइट में. इज दैट क्लियर. फिर आए तुम वापस कमरे में, तो जब तुम वापस कमरे में आते हो थोड़ा टाइम लगता है रेटिनल और स्कोटोप्सिन को जुड़ के वापस रोडोप्सिन बनाने में, और इन दोनों के जुड़ के, इन दोनों से के जुड़ने से क्या होता है, रीजेनरेशन होती है. सो रीजेनरेशन विल टेक प्लेस इन द डिम लाइट, और जब ये रीजेनरेशन हो जाएगी देन यू विल बी एबल टू सी अगेन, ठीक है. तो इस पूरे फिनोमिना को गाइज हम बोल देते हैं डार्क अडेप्टेशन. क्या बोल देते हैं, डार्क अडेप्टेशन. तो इस तरह से जो पिगमेंट्स हैं दे अंडरगो चेंजेस इन द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब तुम सोचोगे कि ब्राइट लाइट में क्या हो रहा है, तो गाइस ब्राइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, ठीक है. वो अलग अलग वेवलेंथ्स हमारे अलग अलग तरह के कोन्स को स्टिमुलेट करती हैं. आई टोल्ड यू कोन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, है ना. तो जिस तरह के वेवलेंथ होगी उस तरह के हमारे जो कोन्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और उस तरह के केमिकल्स में चेंजेस आएंगे. एंड जो केमिकल चेंजेस आते हैं, दीज केमिकल चेंजेस दे विल रिजल्ट इन नर्व इम्पल्स प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर. हमने नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, कि नर्व कोई भी इम्पल्स आई, सॉरी कोई भी स्टिमुलस आया, तो आपका सोडियम पोटाशियम पंप कैसे डीएक्टिव होता है, और उसके बाद फिर डीपोलराइजेशन होती है, फिर रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन. सो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट लेक्चर येट, यू नीड टू. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इन द होल बायोलॉजी, जिसमें तुम्हें समझ भी कई बार थोड़ा देर से आता है. सो लिसन टू इट अगेन अगर डाउट है, और अगर नहीं सुना तो यू हैव टू लिसन टू इट. इज दैट क्लियर टू ऑल, डन. चलो, सो गाइज दिस वॉज अबाउट द बायोकेमिकल इवेंट्स विच टेक प्लेस इन आर आई, एंड दीज केमिकल चेंजेस रिजल्ट इन नर्व इम्पल्स प्रोडक्शन. और ये नर्व इम्पल्स को लेके जाया जाता है आपके ब्रेन तक. ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ऑसिपिटल लोब के अंदर कॉर्टेक्स विजुअल एरिया होता है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, रिमाइंड. तो दोनों आंखों से एक एक ऑप्टिक नर्व जा रही है. हमने ऑप्टिक नर्व्स पढ़ी थी, क्रेनियल नर्व्स, रिमेंबर. सो ओ ओ ओ ऑन ओल्ड ओलंपस टावरिंग टॉप, वो वाला क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स. और उसमें हमने देखा था कि तीन ओ है, LPC सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है आपकी ऑप्टिक नर्व, ठीक है. तो ये सेकेंड क्रेनियल नर्व विल टेक द इम्पल्स और कैरी द इम्पल्स टू द ब्रेन. और ब्रेन के कौन से लोब में है, ऑसिपिटल लोब में. इज दैट क्लियर. सो इस तरह से हमें दिखाई देता है.
सो अगर ब्रेन पे चोट लग जाए, इस पीछे अगर चोट लग जाए ऑसिपिटल एरिया में, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया आपका डैमेज हो जाए, तो वी विल सफर ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस. इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो गाइज, सिंपल सी बात, कहाँ पे फोकस होनी चाहिए लाइट? मैकुला ल्यूटिया पे, दैट इज येलो स्पॉट, वहां पे ज्यादा कोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? बायपोलर और गैंग्लियोनिक सेल्स है नहीं, और वहां पे कोन्स एंड रॉड्स के पिगमेंट्स में चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस, और इन्हीं केमिकल चेंजेस की वजह से नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है? अब वॉट इफ, अगर ये तो है नॉर्मल आए, देखो लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो रही है और किस पे पहुंच रही है आपके, पहुंच जाओ, ये पहुंच रही है येलो स्पॉट के ऊपर. इज दैट क्लियर? और तुम्हें पता है कि इमेज कैसी बनती है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, तुम्हारी आंख तो उल्टा देखती है ना, तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी. और उल्टे को क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, क्लियर, और रियल बन रही है. ये थोड़ी सी फिजिक्स, क्लियर? सेम चीज. अब वॉट इफ कुछ गड़बड़ हो जाए अकोमोडेशन में, ठीक है, या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाए, कि स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, तो क्या होगा? लाइट येलो स्पॉट के ऊपर फोकस नहीं होगी. तो दो सिचुएशंस हो सकती है, एक मायोपिया और एक इसके बाद देखेंगे हाइपर मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, कई नाम है, ठीक है. सो नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, यानी पास की चीजें देखने में दिक्कत होगी या दूर की चीजें देखने में दिक्कत होगी. तो किस सिचुएशन में क्या होता है? नाउ लिसन, देखो, सो इन दिस एनिमेशन यू कैन सी, यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो यहां पे अब देखना ध्यान से, यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेंस एंड इमेज कहां बन रही है? रेटिना के आगे, ठीक है. तो नियर साइटेडनेस में क्या होता है गाइस, कि पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम है, तो नियर विजन धुंधली होगी. ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि मायोपिया में क्या होता है. देखो, मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस, ठीक है. तो नियर साइटेडनेस का मतलब कि नियर विजन तो ठीक है, पास का देखने में कोई दिक्कत नहीं है, नियर विजन इज नॉर्मल, बट दूर का देखने में दिक्कत होगी, तो डिस्टेंट विजन ब्लर्ड होती है ना, तो दूर की नजर कमजोर है, दिस इज कॉल्ड मायोपिया, ठीक है. अब नॉर्मल विजन होने के लिए लाइट मस्ट फोकस ऑन द येलो स्पॉट. इसका मतलब कि जो नियर विजन है, जो नियर ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए लाइट फोकस हो रही है, लाइट फोकसेस ऑन येलो स्पॉट, ठीक है, ऑन येलो स्पॉट. लेकिन जो लाइट रेज दूर से आ रही हैं, जो लाइट रेज दूर से आ रही हैं, उस केस में, सिचुएशन में क्या होगी? सो दैट विल नॉट फोकस ऑन द येलो स्पॉट. इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखो, जो दूर से आ रही हैं, वो लाइट रेज कहां पे फोकस हो रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना. सो डिस्टेंट विजन के लिए लाइट रेज फोकस एट, सो फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, रेटिना के आगे इमेज बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना. किसके लिए? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए. नियर विजन बिल्कुल नॉर्मल है, क्लियर. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम पहनेंगे कनकेव लेंस. सो इट इज करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, ठीक है. तो प्लीज देख लेना कि उसने किसके लिए पूछा है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, सो वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो नियर ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बन रही है? ऑन द येलो स्पॉट. तो जरूरी नहीं है कि मायोपिया है तो मायोपिया देखते ही तुमने बस इन फ्रंट ऑफ रेटिना दिखना है. यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू सी कि उसने नियर ऑब्जेक्ट का पूछा है या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का. इन केस वो कुछ भी मेंशन नहीं करता कि इमेज कहां बनती है इन केस ऑफ मायोपिया, देन यू विल डायरेक्टली राइट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्लियर. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डन. अब देखो, अब नेक्स्ट सिचुएशन जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इस केस में क्या होता है? हाइपर मायोपिया, फार साइटेडनेस, यानी दूर का तो क्लियरली दिखेगा, डिस्टेंट विजन नॉर्मल है, राइट, लेकिन पास की नजर कमजोर है, फार साइटेडनेस, दूर का सही दिखेगा, नियर विजन ब्लर्ड होगी, नियर विजन इज ब्लर्ड, ठीक है. सो इन केस ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, रेज कहां पे मीट होंगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की?
लाइट फोकसेस ऑन द येलो स्पॉट, तो इमेज कहां बन रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज ऑन येलो स्पॉट, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट की, नियर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बिहाइंड, बिहाइंड द रेटिना. कैन यू सी इट हियर? नियर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है बिहाइंड. नियर ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया इतना? चलो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको अब करेक्ट कैसे करोगे? अगेन चश्मा लगेगा, लेकिन उस चश्मे में होगी कन्वेक्स लेंस, करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस. कैन यू सी इट हियर? कन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो अब इमेज कहां पे एग्जैक्टली बन रही है? ऑन द येलो स्पॉट. हर तरीके से इमेज को कहां पे लेके आना है? येलो स्पॉट के ऊपर लेके आना है. इज दैट क्लियर गाइस? चलो, सो दिस वॉज अबाउट मायोपिया, हाइपर मायोपिया. अब एक थर्ड कंडीशन बता रही हूं जिसमें कॉर्निया की वजह से गड़बड़ होती है. ठीक है, तो कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो सही होना चाहिए, क्योंकि कॉर्निया ने मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करनी है. तो अगर कॉर्निया का कर्वेचर खराब हो गया, कॉर्निया का कर्वेचर खराब हो गया, तो होगा एस्टिग्मैटिज्म. इट इज ड्यू टू गड़बड़ इन, इट इज ड्यू टू द गड़बड़, गड़बड़ लिख दे, ड्यू टू द गड़बड़, ठीक है, इन योर कॉर्निया, कॉर्निया कर्वेचर. ठीक है, कर्वेचर डिफेक्ट होता है, गड़बड़ मतलब डिफेक्ट, तो डिफेक्ट भी लिख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है. गड़बड़ और डिफेक्ट इन कॉर्निया का कर्वेचर. इज दैट क्लियर? कभी कभी सिंपल सिंपल वर्ड्स भूल जाते हैं ना, मेरे साथ तो बहुत बार होता है. एनीवेज, सो ये याद रखना है कि कॉर्निया का कर्वेचर खराब हुआ है, दिस इज कॉल्ड एस्टिग्मैटिज्म. डन. नाउ अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो ठीक, प्रॉब्लम तो हर एक प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. अब सॉल्यूशन ये है कि इस केस में ना तुम कन्वेक्स लेंस पहनोगे ना कनकेव. दिस इज करेक्टेड बाय स्पेशल टाइप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल लेंस. कुछ बुक्स में गाइज, इफ यू आर रीडिंग सम एक्स्ट्रा बुक्स, तो उसमें तुम्हें कनकेव या कन्वेक्स कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बट एक्चुअली इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लेंस कॉल्ड सिलिंड्रिकल लेंस, जो कि एस्टिग्मैटिज्म को करेक्ट करता है. इज इट क्लियर? अब एस्टिग्मैटिज्म में जब कॉर्निया का कर्वेचर हो गया खराब, तो ना आपको पास की चीज क्लियरली दिखेगी ना दूर की, तो दोनों ही विजन्स ब्लर्ड रहती हैं, तो उस सिचुएशन में सिलिंड्रिकल लेंस है. क्लियर हो गया? देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. ओके, सो आई होप आई इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, तो मुझे तो पर्टिकुलरली आई एक बड़ी मजेदार ऑर्गन लगती है, यू नो, इट ओपन्स द ब्यूटिफुल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अस. But now we need to listen to the beauties. Listen to the beauties as well. ठीक है, so for that we have ear. तो गाइस, मैंने ear के लिए एक बात पहले भी बोली थी. Ear एक स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन है. स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, स्टैटो वर्ड का मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस. ठीक है, अकाउस्टिक वर्ड होता है सुनाई देने से, साउंड से रिलेटेड. तो ये हियरिंग में हेल्प भी करेगा, और स्टैटो ये बैलेंसिंग में भी हेल्प करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा. अब अगर ऑप्शन आ जाए कि ईयर इज यूज्ड फॉर वन, विजन नहीं, हियरिंग, सेकंड बैलेंस, या चौथा कुछ भी हो, तो आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन होगी तुम्हें, बोथ ऑप्शन है नहीं. ठीक है, तो अब आंसर बैलेंसिंग होगा या हियरिंग होगा? तुम्हें लग रहा होगा कि हियरिंग होगा, है ना, सबसे पहला काम तो सुनाई देने का, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम सुनाई देने सुने बगैर रह सकते हैं, बैलेंस के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते गाइस. ठीक है, सो मोर इम्पॉर्टेंट वर्क और फंक्शन परफॉर्म बाय योर ईयर्स इज बैलेंसिंग. इट्स मेजरली अ बैलेंसिंग ऑर्गन. क्लियर? चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है. सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. ठीक है, सो ईयर को हम ओवरऑल तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आउटर, मिडल एंड इनर. क्लियर? अब देखो, आउटर यहां तक है. ठीक है, ये है यहां तक आपका मिडल ईयर है, और फिर उसके पीछे है आपका इनर ईयर. क्लियर? नाउ सी, आउटर ईयर का काम होता है कलेक्ट करना साउंड वेव्स को, कलेक्ट एंड कंडक्ट द साउंड वेव्स. ठीक है, तो साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और कंडक्ट कर दिया कहां तक?
इस ड्रम तक, इस मेम्ब्रेन तक, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलेंगे इसको? ईयर ड्रम या टिम्पैनम। ठीक है, तो ये काम है आपके आउटर ईयर का। मिडल ईयर का काम होता है, मिडल ईयर देखो मैं मिडल ईयर को रेड से बना रही हूं, तो ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम के बिल्कुल पीछे कुछ बोन्स प्रेजेंट है, हमने पढ़ी भी थी, डू यू रिमेम्बर? मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर हमने ये बोन्स पढ़ी थी, स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, हैमर, एनविल एंड स्टिलिप, इज इट क्लियर? तो ये तीन यहां पे बोन्स प्रेजेंट होंगी, वन, एंड देन वी हैव दिस इनकस और एनविल, राइट, एंड वी हैव द थर्ड वन एंड विच इज नन अदर बट स्टेप्स। ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी हड्डियों में आपकी ये वाली बोन्स, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? ईयर ऑसिकल्स। कितनी होती हैं? 3 pairs, 6, क्लियर? तो आउटर में देखो क्या क्या आता है, इतना हिस्सा, उसके बाद ये ड्रम और ये ऑसिकल्स जो है ये आपके मिडल ईयर को बना रहे हैं। मिडल ईयर का काम होता है साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना। इसका काम क्या है? एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन, बढ़ाना, और एम्पलीफाई करने के बाद भेज देता है इनर ईयर के अंदर। ठीक है, आउटर कलेक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा, ये उन्हीं साउंड वेव्स को एम्पलीफाई कर देगा, और फिर इनर ईयर के अंदर एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे सेंसेशंस जनरेट होंगी, जहां इम्पल्स प्रोड्यूस होगी फॉर बैलेंसिंग एज वेल एज फॉर हियरिंग। तो एक्चुअली जो हियरिंग का यूनिट है या बैलेंसिंग यूनिट्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट है? इनर ईयर के पास प्रेजेंट है। हियरिंग के लिए अलग है, बैलेंसिंग के लिए अलग है। ठीक है, तो ये देखो ये जो कॉक्लिया है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये हियरिंग पार्ट होता है। ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये बैलेंसिंग पार्ट होती है, और ये दोनों ही कहां पे हैं? आपके इनर ईयर के अंदर। इज दैट क्लियर? सो एक्चुअली यूनिट्स जो हैं वो यहां पे है। डन, अब चलो अब डिटेल पे चलते हैं बेसिकली। सो नाउ अंडरस्टैंड, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वील ड्रॉ इट बाय हैंड। नाउ लिसन, सबसे पहले हमने कहा आउटर ईयर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज पिन्ना, राइट? सो इसका काम होता है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पिन्ना का कोई काम नहीं है, ठीक है, पिन्ना मसल्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो मसल्स हैं वो वेस्टिजियल हैं, आप अपना कान अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते, है ना, लेकिन कुछ लोग थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते हैं, बट दैट्स अ प्रिमिटिव फीचर जो किसी किसी के अंदर आपको दिखाई देता है, बट एनीवेज पिन्ना का काम है, पिन्ना का काम है, और इसकी ये जो शेप है ये इस तरह से बनाई गई है साउंड वेव्स को कलेक्ट करने की। जब चुगली करते हो तो कैसे करते हो? ऐसे, है ना, एक के कान में जाके क्या करते हो? जब तुम कान इस तरह से हाथ रख रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू डायरेक्ट द साउंड वेव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से साउंड वेव्स को डायरेक्शन दी जा रही है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा जो आर्किटेक्चर है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए बना है। इज इट क्लियर? तो अगर किसी के अंदर पैदाइशी ये स्ट्रक्चर ना हो, पिन्ना ना हो, तो उसमें हियरिंग लॉस देखा जाता है। बात क्लियर हुई? तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? ऑरिकल और पिन्ना। ऑरिकल का भी मतलब फ्लैप होता है, पिन्ना का मतलब भी फ्लैप है। इसका काम क्या है? टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। इज इट क्लियर गाइस? तो ऑरिकल का काम टू कलेक्ट साउंड वेव्स, राइट? चलो, इसी को हम पिन्ना भी बोलते हैं, पिन्ना। डन, अब पिन्ना ने एक साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करके कहां पे भेज देना है? इस स्ट्रक्चर में। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर जिसको मैं इस तरह से मार्क कर रही हूं, दिस इज योर ऑडिटरी कैनाल और योर ईयर कैनाल। दिस इज नोन एज ऑडिटरी कैनाल और ईयर कैनाल। तो ईयर कैनाल के अंदर क्या हो रहा है? साउंड वेव्स को डायरेक्ट किया जा रहा है। सो इसने कलेक्ट की साउंड वेव्स इधर उधर से, ठीक है, और ये यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, ये साउंड वेव्स कंडक्ट हो रही है। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विल कंडक्ट द साउंड वेव्स, और कंडक्ट करके कहाँ ले जाएगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्रीन कलर का, दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम, नोन एज ईयर ड्रम। बहुत ही डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है ना। अब साउंड वेव्स आएंगी, इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी। अब तुम्हें पता है कि कोई भी वाइब्रेशन हो, इट रिजल्ट्स इन साउंड प्रोडक्शन। वो अलग बात है कि हर
जो साउंड वेव है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी नहीं होती. ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन अदरवाइज हर वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करेगी, है ना. अगर वो हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी में हुई तो सुनाई दे देगी, नहीं हुई तो नहीं सुनेगा. नाउ लिसन, तो इसने साउंड वेव्स को कंडक्ट किया, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ठीक है. अब वो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई किया जाता है बाय दीज थ्री बोन्स, मेलस, इनकस, स्टेप्स, हैमर, एनविल और स्टिरप. क्लियर. अब हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी बोन्स से ये डिराइव होती हैं. रिमेंबर आर्मी क्वार्टर हेड बताया था. नहीं याद आ रहा तो वो लेक्चर सुनो या फिर नोट्स जो भी तुम्हारे पास है उनको रिवाइज करो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. सो देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद वाइब्रेशन कहाँ गई? ईयर ऑसिकल्स के पास. ये तीन ईयर ऑसिकल्स उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं. सो दे आर द एम्पलीफायर्स, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स. दीज आर द एम्पलीफायर्स, ठीक है. अब एम्पलीफाई कैसे करते हैं गाइज, उसके लिए जरा तुम्हें MBBS में एडमिशन लेना होगा, ठीक है. फिजिक्स भी अच्छी होनी चाहिए. तो वहां पे तुम्हें समझाया जाएगा कि ये किस तरह से ईयर ऑसिकल्स के ऊपर जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो कैसे फिजिक्स वाले रूल्स यूज होंगे, अप्लाई होंगे और साउंड वेव्स एम्पलीफाई होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि इसका रीजन नहीं है, है, लेकिन इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर. बट यस, ये मेलस इनका स्टेप्स उनको एम्पलीफाई कर देंगी. डन. एम्पलीफाई करने के बाद क्या हुआ? देखो, ये हैमर, एनविल, स्टिरप. क्लियर. नाउ लेट मी कलर इट. सो ये जो येलो कलर की है ना, ये सबसे छोटी है और इसका नाम क्या है? दिस इज योर स्टेप्स. क्लियर. स्टेप्स के बिल्कुल पीछे एक खिड़की होती है. स्टेप्स के बिल्कुल पीछे एक खिड़की होती है. इसको मैंने रेड में मार्क कर दिया. सो इस खिड़की का नाम है ओवल विंडो. क्या है? ओवल विंडो. तो लिखा हुआ है स्टेप्स अटैच टू द ओवल विंडो. तो देखो ऐसे है स्टेप्स, ये है, दिस इज स्टेप्स, और स्टेप्स के पीछे गाइस एक खिड़की है एंड द खिड़की इज नोन एज ओवल विंडो. इज दैट क्लियर? ठीक. सो ये मेलस, इनका स्टेप्स एंड ईयर ड्रम, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर मिडल ईयर. डन. अब ये खिड़की पहुंचाएगी हमें इन द इनर ईयर. खिड़की के आगे क्या है? इनर ईयर है. इनफैक्ट दो विंडोज होती हैं. ऊपर कौन सी विंडो है? ओवल विंडो. नीचे की तरफ राउंड विंडो, ठीक है. दो खिड़कियां हैं और ये दोनों खिड़कियां किसमें खुलेंगी? इनर ईयर के अंदर. क्लियर हो गया. स्टेप्स के बिल्कुल पीछे कौन सी होती है? ओवल विंडो. इनके नाम भी होते हैं, फिनेस्ट्रा ओवेलिस, फिनेस्ट्रा रोटंडस. खतरनाक नाम लग रहा है, छोड़ दो. बस इतना याद रखना कि मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ विंडोज कनेक्ट करती हैं, और प्रिसाइजली कौन सी विंडो कनेक्ट करेगी? ओवल विंडो. स्टेप्स के बिल्कुल पीछे कौन सी विंडो है? ओवल विंडो. क्लियर. अब ये एग्जैक्टली कहाँ खुलती है वो भी हम देखते हैं. अब देखो, इसके बिल्कुल पीछे का इज इनर ईयर प्रेजेंट है, ठीक है. ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस होल एरिया, दिस कॉइल्ड एरिया, दिस इज योर कॉक्लिया, और ये कॉक्लिया आपको पता है हियरिंग यूनिट है, ठीक है. और इसके ऊपर ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, तीन. यहाँ पे बैलेंस मेंटेन किया जाएगा. इज द स्ट्रक्चर क्लियर? क्विकली रिवाइज कर लें. पिन्ना साउंड्स को कलेक्ट करता है, जो कैनाल है उसको कंडक्ट करेगी. कहाँ जाएंगी वेव्स? ईयर ड्रम पे. ये वाइब्रेट करेगा, उन्हीं वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कौन करेगा? आपका ईयर ऑसिकल. और ईयर ऑसिकल्स उसको कहाँ कंडक्ट कर देंगी? इन योर इनर ईयर, थ्रू ओवल विंडो, ठीक है. राउंड विंडो के काम पे हम अभी आएंगे. क्लियर हो गया इतना. अब एक ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूस्टेशियन ट्यूब. अगर गाइज तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो रेस्पिरेशन के जब तुमने, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, तो वहां पे क्वेश्चन आया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वाला क्वेश्चन होता है, कि वी कैन ब्लो आउट एयर थ्रू आर ईयर्स ऑल्सो. Have you gone through that question? अगर नहीं तो please open the book later on, ठीक है, after the lecture, find out this question. Is that clear? If you have not come across this question yet, तुम शायद previous year questions पूरी तरह से नहीं कर रहे हो. Now listen, this is a very true statement. अगर देखा है तो तुम्हें अजीब लगी होगी कि भाई ये कैसे, बट ये बिल्कुल सच है. You can blow out air through your ears, ठीक है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका गला, throat and your ears, they are connected, ठीक है, they are connected.
बहुत बार ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है ना कि कान में दर्द हुई, दवाई डाली तो वो गले में आ गई, इजंट इट? या कई बार नेजल ड्रॉप्स डालते हो वो भी गले में आ जाते हैं, कान में दवाई डालोगे वो भी गले में आएगी, वो कड़वी सी, राइट? क्यों आएगी? क्योंकि आपका कान और आपका गला कनेक्टेड है, इसीलिए ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट एक साथ होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट। ट्राई टू फाइंड आउट दिस टर्म, ENT स्पेशलिस्ट तो हमने नाम रख दिया, बट वॉट इज दैट स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर ENT स्पेशलिस्ट? जस्ट फन के लिए फाइंड इट आउट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो। नाउ लिसन, सो दिस इज यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, जो आपके कान को आपके गले के साथ कनेक्ट करती है, दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। और लेट मी नो कि ENT स्पेशलिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक टर्म क्या यूज होती है इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है? देखते हैं कौन किसको पता है और कौन फाइंड आउट करता है। सो एनीवेज, ये यूस्टेशियन ट्यूब है। अब इसका काम क्या है? तो गाइज, इसका काम ये है कि ये आपके ईयर ड्रम के आसपास एयर प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करेगी। अंडरस्टैंड हाउ? यहां से साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है? आपकी ईयर ड्रम तो बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, साउंड वेव्स ज्यादा आ गई तो फट भी सकती है, और ऐसा होता भी है, बट जनरली नहीं फटती। क्यों? क्योंकि इधर से अगर हवा आ रही है, साउंड वेव्स नीड मीडियम टू ट्रेवल, एयर आ रही है वो वाइब्रेट कर रही है लेकिन फटी नहीं। क्यों? क्योंकि गले से हवा ने इधर से भी एक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। तो बीच में मेम्ब्रेन है, इधर से तुम्हारी साउंड वेव्स आ रही हैं, इधर से गले से होते हुए हवा का प्रेशर है, तो आपकी मेम्ब्रेन के आसपास दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। और ये प्रेशर बैलेंस, एयर प्रेशर बैलेंस किसने मेंटेन किया? हवा ने, थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। कहां से? गले से हवा आ रही है। इज इट क्लियर? कई बार ऐसा होता है ना कि गले में कंजेशन हो जाए, यानी गला बहुत खराब हो जाए, कंजेशन हो जाए तो कान बंद से लगते हैं, या अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओ तो एयर प्रेशर बैलेंस जैसे चेंज होगा तो कान भी बंद होते हैं, इजंट इट? या आप फ्लाइट में कभी जाओ तो भी ऐसा लगता है कि कान बंद हो गए, तो वो सारा क्यों हो रहा है? हवा में प्रेशर चेंज होगा, तुम्हारे अंदर प्रेशर चेंज होगा, इजंट इट? तो कान इफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। समझ में आ रहा है? सो यूस्टेशियन ट्यूब एयर प्रेशर बैलेंस मेंटेन करती है। सो यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट यू कैन ब्लो आउट एयर थ्रू योर ईयर्स। मुंह बंद करो, ये योगा भी है, बाबा रामदेव भी कई बार करवाते हैं और कहते हैं कि इससे आपकी हियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, एंड दिस इज ट्रू, ठीक है? नाउ ट्राई इट योर सेल्फ। तो मुंह बंद कर लिया, ठीक है, नाक बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, और तो जब तुम ब्लू आउट करोगे ना इस तरह से, तुम हवा निकल रही है, कहां से निकल रही है? ईयर से निकल रही है। इज दैट क्लियर? लेकिन वो इतनी नहीं होती कि तुम उसके बेस पे जिंदा रह सको कि नाक मुंह बंद हो गया तो चलो कान से तो हवा निकल ही रही है या ब्रीद कर रहे हो, ऐसा नहीं। यू कैन नॉट ब्रीद, बट यस यू कैन ब्लो आउट एयर थ्रू योर ईयर्स। इज दैट क्लियर? डन। चलो, सो अब हम चलते हैं और ज्यादा डिटेल में। तो ईयर को हमने बोला है स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट हेल्प इन हियरिंग एंड इन ये फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर का। सो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर। तो गाइज, इनर ईयर में दो रीजन्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक हियरिंग कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो देखो, यहाँ पे ओवल विंडो है ना, और यहाँ पे राउंड विंडो है। इधर क्या होगा? मिडल ईयर, फाइन, और उधर क्या होने वाला है? इनर ईयर, फाइन। यहां पे क्या प्रेजेंट है? इसके बिल्कुल यहां पे स्टेप्स प्रेजेंट होती है। सो सी, स्टेप्स किसके साथ कनेक्टेड है? टू द ओवल विंडो। दिस इज योर ओवल विंडो, ठीक, एंड द लोअर वन इज द राउंड विंडो। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे प्रेजेंट है वो कॉकलिया, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? अब मैं उस कॉइल को जरा ओपन कर रही हूं। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा बाजे जैसा है, जो बच्चों का बाजा होता है ना, जब बजाते हैं तो वो खुल जाता है पीछे, पौ पौ, है ना, खुल जाता है। तो हम इस कॉकलिया को जरा खोल रहे हैं। नाउ लिसन, तो इसके बिल्कुल पीछे वो कॉकलिया था जिसको मैंने ओपन कर दिया, बाजा हमने खोल दिया। सो देखो, ऐसा स्ट्रक्चर है कॉकलिया का, क्लियर? जो कॉइल्ड था हमने उसको स्ट्रेट कर दिया है। अंदर उसके तीन क्या है? उसके तीन चेंबर्स बने हुए हैं। सो अंदर से इट हैज थ्री चेंबर्स, ट्यूनिका, सॉरी नॉट ट्यूनिका, ट्यूनिका के पीछे पड़ गई हूं मैं। सो द थ्री आर स्केला, ठीक है, स्केला एंड स्केला। ये नीचे है, ये बीच में है, तो मीडिया है, ठीक है? एक बार दिखाऊं तुम्हें स्ट्रक्चर,
नाउ सी हियर, ये सेमी सर्कुलर रीजन हो गए, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे आते हैं जरा, ये देखो। सो ये स्ट्रक्चर तुम्हें देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन हमने ये जो कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया को मैंने सीधा कर दिया है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, सी हियर, ये वाला डायग्राम, स्केला, वेस्टिबुलाय, मीडिया एंड नीचे टिम्पनाई, ठीक है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहां समझ नहीं आएगा तो मैं इसको दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं। नाउ हियर लेट्स कम बैक, स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, ठीक है। तो देखो, इनर ईयर के अंदर दो चीजें हम पहले बना रहे हैं, कॉक्लिया। सो द लोअर रीजन इज नोन एज टिम्पनाई, दिस इज मीडिया एंड दिस इज स्केला, वेस्टिबुलाय, क्लियर हो गया। और ये खाली नहीं होते, इनके अंदर फ्लूइड्स भरे हुए हैं। ये बाहर वाली साइड पे पेरिलिम्फ है, यहाँ पे भी पेरिलिम्फ है, ये दोनों एक ही तो हैं, पीछे से कॉन्टिन्यूस होते हैं। यहाँ पीछे वाले रीजन को हम बोलते हैं हेलिकोट्रीमा, ये पीछे से कनेक्टेड होगा, है ना। यहाँ का लिम्फ नीचे चला गया एंड ये बीच में होता है एंडोलिम्फ, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे फ्लूइड्स भरे हुए हैं, फाइन। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। अब गाइज, ये मेम्ब्रेन्स हैं बीच में जो कि इनको सेपरेट करती है। तो वेस्टिबुलर मीडिया के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम है रिसनर्स मेम्ब्रेन, दिस इज रिसनर्स मेम्ब्रेन। और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया, ये याद रखना। अब हुआ क्या, देखो यहां से साउंड वेव्स आ रही हैं, आउटर ने कलेक्ट किया, मिडल ने एम्पलीफाई कर दिया, तो स्टेप से होती हुई वो साउंड वाइब्रेशंस कहां एंटर कर गई, इन द स्केला वेस्टिबुलाय। तो ओवल विंडो का काम क्या है, वाइब्रेशंस को अंदर ट्रांसफर करना फ्रॉम द मिडल ईयर इनटू द इनर ईयर, इनटू द कॉक्लिया। कौन से रीजन में, स्केला वेस्टिबुलाय में। वेस्टिबुलाय के अंदर क्या है, पेरिलिम्फ है। अब खुद सोचो, मान लो कि फ्लूड, मान लो क्या फ्लूड भरा हुआ है, तुमने वाइब्रेशंस यहां पे डाल दी, तो वाइब्रेशन से वो फ्लूड भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब फ्लूड वाइब्रेट करेगा तो ये रिसनर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगी, बहुत सिंपल सी बात, वाइब्रेशंस आ रही हैं, वाइब्रेशंस ने फ्लूड को वाइब्रेट किया, उसने रिसनर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर दिया, वही वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफर हो गई और पीछे से ट्रांसफर होके कहां पहुंच गई, स्केला टिम्पनाई में। अब यहां का फ्लूड जो है वो भी वाइब्रेट करेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब ये अगर वाइब्रेट करेगा तो ये भी वाइब्रेट करेगी, बेसिलर मेम्ब्रेन, जैसे रिसनर मेम्ब्रेन वाइब्रेट की थी, बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन से वो वाइब्रेशंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, इन दिस फ्लूड एंडोलिम्फ, कहाँ पे, स्केला मीडिया के अंदर। सिंपल, वाइब्रेशंस आई, दोनों ये रिसनर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, पीछे से वाइब्रेशन नीचे चले गई तो बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट हुई, दोनों मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं वाइब्रेशंस, एंडोलिम्फ के अंदर, क्लियर। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स रिपीटेडली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट अल्फोंसो कोटाई। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़नी शुरू करते हो तो वहां पर एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अल्फोंसो कोटाई, दैट पर्सन, he studied this structure and he told us that this is the unit of hearing, right? जैसे हम alveoli को unit बोलते हैं lungs का, ठीक है, nephrons को बोलते हैं unit of kidneys, है ना, excretion के लिए, ऐसे ही hearing का unit क्या है, organ of Cotai, clear? कौन सी membrane के ऊपर present है, basilar membrane के ऊपर, clear? आसपास क्या है, endolymph present है। अब देखो organ of Cotai के अंदर क्या है, ऑर्गन ऑफ कोटाय के ऊपर अंदर एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, अभी नाम आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, इनको हेयर सेल्स बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, क्लियर। अब गाइस सुनो, सीलिया ना दो तरह के होते हैं, एक सीलिया अपने आप मूव करते रहते हैं, जैसे आपके ट्रेकिया के अंदर है, वो सीलिया का काम है, उन्होंने सोते जाते बस इस तरह से मूव करते रहना है, ठीक है, ताकि म्यूकस ऊपर पुश होता रहे। या आपके फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी सीलिया है ताकि एग को वो कहां भेजते रहे, टुवर्ड्स द यूट्रस, इस तरह से मूवमेंट होती है, राइट। ये सीलिया चुपचाप खड़े रहते हैं, दे डोंट मूव ऑन देयर ओन, क्लियर, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। बट जब वाइब्रेशंस आई, फ्लूइड वाइब्रेट कर रहा है, मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट कर रही हैं, यहां का एंडोलिम्फ वाइब्रेट कर रहा है, तो उस एंडोलिम्फ के हिलने से, उस एंडोलिम्फ के वाइब्रेट करने से क्या ये सीलिया मूव करेगा, यस, अपने आप, नो,
वाइब्रेशंस की वजह से सीलिया विल मूव, राइट? सीलिया के मूव करने से इसके नीचे हेयर सेल्स के नीचे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, फाइन? तो सीलिया के मूव करने से इनके अंदर इम्पल्स जनरेट होगी एंड दैट इम्पल्स विल बी कैरिड टू द ब्रेन एंड ब्रेन विल डिटेक्ट कि ये जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, ये जो इम्पल्स आ रही है, इसका मतलब क्या है. तो जितना देर से मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे ये सीलिया मूव कर रहे थे एंड दे वर प्रोड्यूसिंग इम्पल्स एंड सेंडिंग इट टू द ब्रेन. इज दैट क्लियर? और हमने पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर एक वर्निकीज एरिया है, बोलने में ब्रोकास एरिया, सुन के समझने में वर्निकीज एरिया है जो कि उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है. इज दैट क्लियर? वी हैव डन दिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. आई होप यू हैव अटेंडेड दैट लेक्चर. ठीक है, चलो. तो इतना क्लियर हुआ. इस तरह से हमें सुनाई देता है ऑर्गन ऑफ कोटाए में. इतना क्लियर है? अब गाइस, हमारे अब बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, तो वहाँ पे भी चलते हैं. देखो, अब बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी हैव थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स. ठीक है, वी हैव थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स. दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये जो ब्लू वाला एरिया है, फाइन? अब इनके आसपास ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल. और तुम देख रहे हो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पे ये डायलेशन प्रेजेंट है, मोटी हो रखी है. इस डायलेशन को बोलते हैं एम्पुला. क्या बोलेंगे? एम्पुला. देखो, अंडरस्टैंड करना, बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स को क्या, बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इज डायलेटेड एंड इस डायलेशन को क्या कहेंगे? एम्पुला. डायलेशन नोन एज एम्पुला. ठीक है, अब इस एम्पुला के अंदर, गाइस, एम्पुला के अंदर यहां पे एक स्पॉट, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा. क्या बोलेंगे? क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, क्योंकि एम्पुला रीजन में प्रेजेंट है और क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस है. ठीक है, इनका अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें ना, तो इनके अंदर देखो, ये क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस में तो मैं दिखाती हूँ कैसा होता है. तो ऐसा होता है क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस. अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, और इन सेल्स में यहाँ ऊपर की तरफ सीलिया प्रेजेंट होता है. चलो, जगह नहीं है बट समझ जाना. ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा. फाइन, थोड़ा ढंग से ड्रॉ करें. चलो देखो, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस कैसा होता है. लेट्स रब दिस ताकि थोड़ा मजा तो आए, समझ लेते हैं ढंग से. क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, सी दिस, ये है क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस. यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, कुछ सेल्स के यहाँ सीलिया प्रेजेंट होता है. तो इन सेल्स का नाम क्या है? हेयर सेल्स. ये भी सीलिया अपने आप मूव नहीं करेंगे. फाइन, और इस सीलिया के ऊपर, गाइस, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है. कप शेप में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्यूपुला बोल देते हैं उसे. फाइन, नाउ सी व्हाट विल हैपन. और यहाँ हेयर सेल्स के नीचे से, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगी तो उसको कैरी करने के लिए न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पे डायलेशन, डायलेशन का नाम एम्पुला, एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस और ये क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस का ऐसा स्ट्रक्चर. ठीक है, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस में डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. क्या मेंटेन करता है ये? डायनामिक. सीडी याद रखना, डायनामिक इक्विलिब्रियम. चलते फिरते मूवमेंट के दौरान जो बॉडी का बैलेंस है वो कौन मेंटेन करेगा? क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस. मैं चल रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं चल रही हूँ तो उस वक्त मेरे कान के अंदर ये जो क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस के आसपास फ्लूइड है ये मूव कर रहा है. इसके मूवमेंट की वजह से सीलिया हिल रहा है एंड सीलिया इज कंटिन्यूसली सेंडिंग मैसेज टू द ब्रेन. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग. कौन से पार्ट में भेजेगा? सेरिबेलम में. सेरिबेलम को पता लग रहा है कि बैलेंस करना है. सेरिबेलम मैसेज भेजेगा टू द फोर ब्रेन. सेरिब्रम, फोर ब्रेन का सेरिब्रम. इज इट क्लियर? और सेरिब्रम में भी फ्रंटल लोब, जहां वॉलंटरी मूवमेंट्स जनरेट होती हैं, दैट विल सेंड मैसेज. कहां से? देखो, ईयर से क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, है ना, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस से सेरिबेलम, पीछे हाइंड ब्रेन में, सेरिबेलम से सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में, सेरिब्रम में वॉलंटरी मसल्स के लिए मैसेज बनेगा कि इस तरह की मूवमेंट करो तो बॉडी बैलेंस्ड रहेगी. क्लियर? एल्कोहल लेते हैं तो सेरिबेलम अफेक्ट होता है. डन? बहुत झूले लेते हो, राइड्स लेते हो, तो ये फ्लूइड्स हिलते रहते हैं. रात को बेड पे भी लेटते हो तो भी ये फ्लूइड्स इतने मूव कर दिए पूरे से पूरा दिन, दे आर स्टिल इन मोशन. तो रात को बेड पे लेट के भी लगता है कि ओ अभी भी राइड्स ही ले रहे हैं. इजंट इट? बिकॉज दे आर स्टिल इन मोशन.
डन. नाउ सी, सो ये हो गया क्रिस्टियम पिलारिस. अब नेक्स्ट देखो, सैक्यूल के अंदर गाइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मैकुला. क्या बोलेंगे? मैकुला. नाउ दिस मैकुला विल हेल्प इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इट विल मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो जब हम एक जगह पे खड़े हैं या एक जगह पे बैठे हैं तो उस वक्त भी बैलेंस चाहिए. तो उस बैलेंस को कौन मेंटेन करेगा? मैकुला. इज दैट क्लियर? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इस तरह से मिलके हेल्प करते हैं बैलेंस मेंटेन करने में. इज दैट क्लियर गाइस? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन योर बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ कॉक्लिया. एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार. ऊपर ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, मैंने साइड का व्यू दिखा है. स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई. तो टिम्पेनाई और मीडिया के बीच में नीचे की तरफ बेसिलर मेम्ब्रेन. ओहो, दिस इज योर बेसिलर मेम्ब्रेन. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ जी, दिस इज बेसिलर मेम्ब्रेन. और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई. क्लियर? और देखो ये स्केला मीडिया, और स्केला मीडिया और टिम्पेनाई के वेस्टिबुलाई के बीच में रिसनर मेम्ब्रेन. तो दिस इज योर एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर. लेबलिंग के लिए ये डायग्राम आपको आना जरूरी है. क्लियर? और 11th के लिए आपको ड्रॉ करना भी आना जरूरी है. समझ में आ गया? तो आपको इतना प्रिसाइजली ड्रॉ नहीं करना होता. गोल बनाओ, तीन उसके चेम्बर्स दिखाओ और लेयर्स को मार्क करो. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. और गुड टू गो. लेबलिंग ठीक कर दो उसकी, पर अच्छी तरह से बनाना. क्लियर? चलो, सो गाइस दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग. ये देखो, ये क्रिस्टे दिखाए गए हैं. ठीक है, ऊपर ये क्यूपुला फ्लूइड दिखाया गया है. तो जब भी हम मूव करते हैं, ये देखो ये घूम रहा है, रोटेशन हो रही है, तो वो फ्लूइड मूव कर रहा है. फ्लूइड के मूव करने से सीलिया मूव कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो वो मैसेज भेजेगा टू द ब्रेन. देन ये आपका मैकुला है. तो एक जगह पे जब हम खड़े होते हैं तो वो मैकुला के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है. सी दीज फ्लूइड्स आर प्रेजेंट इन द मैकुला. दिस इज द स्ट्रक्चर. अच्छा, मैकुला के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं. मैकुला के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं. इन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं ओटोलिथ्स या ओटोकोनिया. ओटोलिथ्स या ईयर डस्ट. ठीक है, तो अब होगा क्या? जैसे मैंने बेंड किया सर, लेकिन मैं एक जगह पे खड़ी हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए. ठीक है, जैसे मैं बेंड हुई तो ये सारे क्रिस्टल्स एक तरफ आ गए. इस तरह से समझ में आ रहा है? जैसे ये बेंड हुआ, सारे क्रिस्टल्स एक तरफ आ गए. अब कितना बेंड होना है, कितना बेंड होना है? एक टाइम के बाद तो नीचे गिरूंगी ना. तो वो मैसेज, जब मैं बेंड हो रही थी तो लगातार मैसेज वॉज गोइंग टू द ब्रेन कि चलो इतना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते करते एकदम से वो बोलेगा नहीं ठीक है और तुम नीचे. समझ में आया? तो मैसेज कहाँ से जा रहा है, इम्पल्स कहाँ से जा रही है? ब्रेन से जा रही है, सॉरी ईयर से जा रही है टू द ब्रेन. एंड गाइस फाइनली द वन दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर. ओके, सो सी, सो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके हम देख लेते हैं विनर्स. सो आई एम ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड द न्यूरॉन एक्सेप्ट इन CNS एंड वेयर फॉर्म द माइलिन शीथ बट नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ whether I form myelin sheath or not, it depends on how I am present. And I'm not present in the CNS. So answer is, of course you know that, it is Schwann cell. And the one who answered it sabse pehle is Anu. Clapping, theek hai? Now see, next is lobe of cerebrum, which is responsible for judgment and creativity and intelligence. So tumhe pata hai ki frontal lobe hai, jo ki intelligence, mathematical skills, in sab cheez ke liye responsible hoti hai. तो पॉइंट इज किसने आंसर सबसे पहले दिया, तो उस बंदे का नाम है मैथ्स वर्ल्ड. जो भी हो तुम, मैथ्स वर्ल्ड एक्सीलेंट. ठीक है, तो हैव अ अपना असली नाम रखो ताकि मुझे लेने में मजा आए. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट. हु एम आई में एरिया ऑफ आई नोन फॉर इट्स बेस्ट रेजोल्यूशन. तो बेस्ट रेजोल्यूशन कहाँ होता है? येल्लो स्पॉट पे, इमेज जहां पे बननी चाहिए. ठीक है, और ये इन्होंने दोनों आंसर सबसे पहले दिए हैं आशुतोष गुप्ता. तो सेकेंड area where maximum refraction occurs, again the answer is very easy, that is cornea. तो ये भी answer सबसे पहले दिया था आयुष गुप्ता ने. So guys, answer दिया करो. आज भी मैंने एक question पूछा है, not in the burger quiज form, but बताना कि ENT specialist का असली नाम क्या होता है. ठीक है, and let me know whether you are reading NCERT और तुम्हें ये topic समझ में आ रहे हैं कि नहीं.
एक चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का रह गया, दैट इज एंडोक्राइन, एंड देन वील मूव ऑन टू द अदर चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल एंड एनिमल किंगडम. क्लियर? एंड आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, सो आई विल ब्रिंग दैट नीट पिल टुमारो. वेट फॉर इट कि ये नीट पिल है क्या. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो. एंड टिल देन गाइज, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग. ग्रेट जॉब डन बाय ऑल दोज हु आर आंसरिंग. आई नो सबका नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता, बट द पॉइंट इज दैट यू आर लर्निंग. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो विद द नीट पिल. बाय. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.